तीसरा जो इसका पार्ट था वो ये था कि हम दस्तरखान इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को शुरू करें, और एक इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि हमें किताबों से जो लज्जत मानवी हासिल हुई है, हमें पता चले कि इमाम हमारी लज्जत मानवी को भी पूरा करते हैं, उनका वजूद, उनकी बरकत, और ये जो ज़ाहरी नेमात हमारे सामने रखी हैं, यानी एक दस्तरखान जब लगता है मेरे घर में तो क्या हम उससे पहले इमाम को याद करते हैं या नहीं। तो ये एक इनिशिएटिव इस तरह से भी कि मैं जब जब दस्तरखान लगाऊं, यानी आज आप इस दस्तरखान का जब हिस्सा बनेंगे, आप ये दस्तरखान से खाएंगे पिएंगे, तो उस वक्त आपको ये एहसास हो कि क्या मेरे दस्तरखान पर भी इमाम को याद किया जाता है पहले या नहीं। जब हम पहली प्लेट उठाते हैं अपने घर के बड़े के सामने रखते हैं, तो क्या उस वक्त इमाम की याद मेरे जहन में होती है या नहीं। तो हम हमेशा इमाम को अपने साथ अपने महजर में, जैसे खानम ने कहा कि उस हुजूर को महसूस करें, तो उन्हें महजर में महसूस करने के लिए सबसे अहम ये है कि उस दस्तरखान से भी फ़ायदा उठाएं जो मेरे सामने नेमात का रखा है, और उस दस्तरखान से भी जो हमा वक्त मेरे वजूद पर नाजिल होता रहेगा, बस एक कनेक्शन है जो मेरी तरफ़ से, जैसे सिग्नल्स का समटाइम बाहर से प्रॉब्लम होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अगर मैं मोबाइल ऑफ पे रखूँगी और ऑन ही नहीं करूँगी तो सिग्नल्स कैसे आएंगे। लिहाजा इंटरनल सिग्नल्स की जो इशू, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे उसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि अपने जो सिग्नल्स हैं उसको फेंकना है, ताकि इमाम इंशाल्लाह कि मेरे साथ मरबूत हो। और आपको वो रूहानी और मानवी ग़िज़ा, बस आप एक दफ़ा उनसे बात तो करना शुरू करें, उनको हर वक्त याद करिए, तो आप देखिएगा वो सिग्नल्स भी आएंगे, सारे मैसेजेस भी मिलेंगे, और जो जो मैसेजेस मिलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, तिश्ने की है, वो इंशाल्लाह की पूरी होगी। तो दोनों तरह का दस्तरखान सजाइए और इस सिलसिले को बढ़ाइए, अपने घरों में लोगों को बुलाइए जैसे हम बाकी दस्तरखान करते हैं, लेकिन उनको बताइए कि असल में मैं जब इमाम ज़माना का दस्तरखान करी तो मकसद मेरा क्या है। तो इंशाल्लाह कि हम सब उन दोनों नेमतों से फ़ायदा उठाएंगे जो मेरे ज़ाहिर को भी भरेंगी और मेरे बातिन को भी भरेंगी इंशाल्लाह। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। آهن من صمت مزق أوتار القلب وضال ترك الدمعات تسيل حتى ما يطول البعد أيا مهدي يا مهدي آهن من صمت مزق أوتار القلب وبعد ترك الدمعات تسيل كشهقة سقم حتى ما يطول البعد أيا مهدي يا مهدي